आज हम बात करेंगे कि क्या कैटरेक्ट सर्जरी सेफ है और इसका खर्चा कितना होता है। तो सबसे पहले जानिएगा, कैटरेक्ट सर्जरी जो है ये एज ओल्ड प्रोसीजर है। हम सबको कैटरेक्ट होना ही है, जैसे बाल सफ़ेद होने हैं। सिमिलरली कैटरेक्ट में लेंस जो आंख के अंदर होता है वो सफ़ेद हो जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग मोस्टली। अदर कॉजेज भी होते हैं ऑफकोर्स। सेकेंड, कैटरेक्ट सर्जरी आजकल बहुत सेफ प्रोसीजर है विथ इन्वेंट ऑफ फेको इमल्सिफिकेशन, जो एक लेज़र माना जाता है या अल्ट्रासाउंड डिवाइस माना जाता है, जिससे हम लेंस को बहुत इफेक्टिवली और बहुत सेफली एस्पिरेट कर सकते हैं और उसकी पोस्टीरियर झिल्ली को साफ करके एक आर्टिफिशियल लेंस वहाँ इम्प्लांट कर सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट 99% से भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। आजकल इंट्रा कैमरल एंटीबायोटिक्स के साथ जो हमें डर था कि इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वो भी मिनिमल या ज़ीरो हो गया, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। तो इट्स वेरी सेफ प्रोसीजर अगर सेफ हैंड्स में और सेफ इन्वायरमेंट में किया जाए तो। जो आजकल इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स और बेहतर हॉस्पिटल सब अवेलेबल है। एज़ फार एज़ द लेंस के बारे में, लेंस आजकल बहुत अलग अलग तरह के आने लग गए हैं मार्केट में, और ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अलग अलग तरह के लेंस, अलग अलग डिज़ाइन के लेंसेज और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लेंसेज अवेलेबल हैं। इंडियन कंपनीज के भी लेंसेज अवेलेबल हैं जो इम्पोर्टेड लेंसेज को टक्कर दे रही हैं और रिजल्ट्स उतने ही अच्छे दे रहे हैं। लेंस मल्टीफोकल्स भी होते हैं, मोनोफोकल्स भी होते हैं, टॉरिक्स भी होते हैं, ईडॉस भी होते हैं, और इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है, तो वहाँ इसको डाइवर्ट करेंगे अगर आपके ये सवाल हैं। पर लेंस का कॉस्ट जो होता है, ये जो अच्छे क्वालिटी हाइड्रोफोबिक या कोपोलीमर लेंसेज होते हैं वो एज लो एज 8,000 रुपीज़ की सर्जरी भी हम करते हैं चैरिटेबल में। बट जनरली जो गुड क्वालिटी लेंसेज हैं वो करीबन 10,000 to 15,000 रुपी पैकेजेस से शुरू होते हैं एंड दे गो अप एज मच एज 1.5 लाख इन सर्जिकल प्रोसीजर। इसका मेन रीज़न ये है कि हर लेंस से हमारा टारगेट अलग रहता है। कोई कोई पेशेंट्स चाहते हैं कि हमारी ग्लास डिपेंडेंसी कम हो, कोई कोई चाहते हैं कि रात को अच्छी तरह गाड़ी चला पाएँ और एट द सेम टाइम मोबाइल को भी देख पाएँ। कोई कोई पेशेंट्स चाहते हैं कि हमें तीनों दिख जाए पर हमें रात की गाड़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चलाना। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट वो सूटेबल लेंस सजेस्ट किया जाता है और उसका आउटकम मैच किया जाता है फॉर पेशेंट्स एक्सपेक्टेशन। ऐसा कोई भी लेंस नहीं है जिसके साथ कोई साइड इफेक्ट आज है नहीं। इज नो परफेक्ट लेंस एज येट, बट दैट डजंट स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग परफेक्ट रिजल्ट्स। ये समझिएगा, क्योंकि सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट्स अलग हों, आपके पार्टनर के रिक्वायरमेंट्स अलग हो, आपके पेरेंट्स में मम्मी के रिक्वायरमेंट्स अलग हों, आपके फादर के अलग रिक्वायरमेंट्स हो। सो बेस्ड ऑन द पर्सनलाइज्ड अप्रोच आजकल ये परफेक्ट अरेंजमेंट हो सकता है आपकी आंखों के साथ। और कोई कोई केसेस में हम सेपरेट लेंसेज भी यूज़ करते हैं राइट आई और लेफ्ट आई के लिए, सो दैट द कॉम्बिनेशन हेल्प्स एंड द कॉस्ट इज गेटिंग मोर एंड मोर अफोर्डेबल। इंश्योरेंस इज ऑल्सो आर बिकमिंग मोर रैम्पेंट, तो पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस भी होता है तो वो इसको आगे लाभ भी उठा सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर दैट चूजिंग द राइट लेंस एंड हैविंग अ गुड डिस्कशन, आपके डॉक्टर के साथ बैठ के बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर को जानना चाहिए कि आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे लेंस चूज होना चाहिए रादर दैन चूजिंग इट ऑन प्राइस। बिकॉज इन दी एंड आपको इस लेंस के साथ जीना है, आपको इसको देखना है, और आपकी ये सर्जरी अगर सक्सेसफुल होगी तो यू विल बी हैप्पी एंड यंग अगेन। थैंक यू।